तो हेलो गाइस, आ गए एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ। और यहाँ पे हमारा दोस्त हार्दिक, कैसे हो सब बता दो भाई, कैसे हो सब कमेंट बता देना कैसे हो। और ये पूछ रहा है, और बाकी एक नए व्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं अपना। अभी क्लास लेकर आए थे, कोल्ड कॉफी खत्म हुई है अभी, और अभी क्लास लेकर आए थे तो थोड़ा लंच टाइम फ्री बैठे हैं अभी यहाँ पर। सोचा कि व्लॉग स्टार्ट करते, काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आया था, तो एक और व्लॉग डालेंगे अब। ठीक है, तो ऐसे व्लॉग आते रहेंगे, सब्सक्राइब करो चैनल को। कोई नहीं आएंगे, जब टाइम मिलेगा बनाएंगे। पेपर शार्ट होने वाले हमारे, तो थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन पेपर का कंटिन्यू करेंगे अपने व्लॉग्स। और बस यहीं बैठे हैं, थोड़ा अपना हो रहा है। तो आज हम आपको थोड़ा सा और दिखाएंगे अपना कॉलेज। दिखा तो दिया ही था, लेकिन आज थोड़ा जितना हो सके उतना और दिखाएंगे, और क्या करते हैं वो दिखाएंगे आज अपने कॉलेज में। बस दिखाते हैं, अभी हम बैठे हुए पेड़ नीचे, छोटी सी बेंच लगी हुई है, इस पर बैठे हुए हैं अभी हम। और सामने के भी आपको दिखाते हैं कैसा सा है, और आएगा व्यू दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। तो ये अपना आएगा व्यू सारा, बढ़िया अपना कॉलेज यहाँ दिख ही रहा होगा आपको। पीछे अपना ऐसे जंगल वंगल, खेती बाड़ी होती है बस, और आएगा ये सीन है। ये पीछे का एरिया है गाइस, थोड़ा सा बढ़िया बैक यार्ड का एरिया भाई ये अपने कॉलेज का पीछे का। इतने अगर वेस्ट कर रखी है इसमें, हमारा ग्राउंड ही बनाए जाते तो फालतू जगह वेस्ट कर रखी है इधर सारी। इधर खेती वेती भी होती है थोड़ी सी, और क्या, बस यही सब है ना। आगे चलते हैं अपना, दिखाते हैं आपको थोड़ा और अपना कॉलेज। देख तो अपने पहले व्लॉग में लिया ही होगा, हर कोई नहीं, अब जब तक हम इस कॉलेज में तो देखना ही पड़ेगा थोड़ा मोड़ा और कॉलेज। देखो जब तक जितना दिखाएंगे हम उतना। हेलो गाइस, तो हमारे एक भैया मिले यार, वो 2021 में पास आउट है हमारे भाई। तो इन्होंने हम सबने इनसे पूछा थोड़ा रिव्यू कैसा है, तो भाई थोड़ा बताओगे कैसा है कॉलेज, मतलब कैसा रिव्यू ओवरऑल कॉलेज अच्छी है, यहाँ प्लेसमेंट भी अच्छी है, मिल जाती है प्लेसमेंट। मारुति सुजुकी वाले आते हैं, टूर के जितने भी जाते स्टूडेंट होते हैं, वो उनका पैकेज अच्छा लगता है, मिनिमम 6 पैकेज जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाद बाकी बच्चे स्टूडेंट की स्किल्स के ऊपर है, और इन जनरेशन वाइज आपका जैसे स्किल्स रहेगा वैसे आप जॉब ले सकते हैं, इन कैंपस के थ्रू या आउट ऑफ कैंपस में ले सकते हैं। ठीक है ठीक है। तो भाई आपने सुना होगा यार गाइस, तो भाई ने बहुत अच्छा बताया, तो ये तो हमसे बड़े हैं बहुत यार, 4 फैन निकल गए 2021 में, तो इनसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा यार यहाँ पे बताने के लिए। तो थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है यार। यहाँ पे ईवी चार्जिंग भी होती है, ये पिछले वक्त में रह गया दिखाना, अगर आप पे इलेक्ट्रिक कार है और टू व्हीलर है तो यहाँ चार्जिंग का सिस्टम भी दे रखा है, बहुत सही, तो भी करा सकते हो आप चार्ज वार्ज। और अपना ये मेन गेट है, मेन गेट पर आ रहे हैं। तो आज आपको वर्कशॉप भी दिखाते हैं गाइस, यहाँ पे उस दिन रह गई थी वर्कशॉप दिखाना, तो आज इस बार आपको वर्कशॉप भी दिखाते हैं पूरी। ये है भैया DSU की ओकला टू विक वर्कशॉप, बहुत ही सही, मतलब हर एक मशीन होगी यहाँ पे, CNC मशीन है, हर एक मशीन है यहाँ पे। तो मतलब मैकेनिकल के लिए, मैकेट्रॉनिक के लिए बहुत अच्छा ये कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, सब मशीन है यहाँ पे, सब चीज़ की। ये मशीन अभी नहीं आई है, कुछ दिन पहले मशीन अभी नहीं आई, तो यहाँ पे मतलब सब चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। आगे यहाँ से मशीन देखो, सारी मशीन तो पहले पहले के रखी हुई थी यहाँ पर, सब मशीन सब यहाँ पर, सब बच्चे अपना वर्कशॉप का काम करते हैं सारे, अपना सीखते हैं स्किल्स यहाँ से। आप सब केबिन बने हुए हैं अपना यहाँ पे, कहीं बेसिकली वही है, अगर आपको वेल्डिंग वेल्डिंग करनी हो तो ये वाला जो सेक्शन है, ये पूरा वेल्डिंग एरिया है, वेल्डिंग शॉप ये सब जगह होते हैं। टीचर का ये रूम है, और बस यहीं पर सब कुछ होता है अपना। आ जाओ, ये भाई केमिस्ट्री लैब है, अभी बंद है कि मैम गई हुई है हमारी काम से, इसलिए बंद है केमिस्ट्री लैब। हम ये भी दिखाते हैं आपको,
और बस यहीं पे सारा है, मशीनें सब रखी हुई हैं, देख सकते हो आप भाई। वो सामने दिख रहा होगा एकदम, बिल्कुल सामने ग्राइंडिंग सेक्शन। ये पबजी और ये फ्री फायर टाइप वाला ग्राइंडिंग नहीं है ये आपको जो टूल्स होते हैं उन सबकी ग्राइंडिंग का ये। हाँ। देखो यहाँ पे जैसे ये रखा हुआ है, यहाँ से मशीन स्टार्ट होगी तो सब प्रॉपर ग्राइंड होते हैं सब कुछ है। तो कोई लोग सोचते हैं पबजी का ग्राइंडर अरे सब लॉक पड़े हैं, अभी इनमें भी चलते हैं, अपनी क्लासेस चलती हैं ऊपर से। इसमें सब मशीनें रखी हुई हैं सब अपना, तो बढ़िया है यहाँ पे सब सही चलता है। वर्कशॉप बहुत तगड़ी है यहाँ की, ऐसी वर्कशॉप आपको जी पंच में भी नहीं मिलेगी, जो ओखले बने कैंप है जी पंच उसमें भी आपको ऐसी वर्कशॉप नहीं मिलेगी जो यहाँ पे वर्कशॉप। तो मैकेनिकल के लिए बहुत सही है ये, बहुत सही चीज़ है मैकेनिकल के लिए। टेक्निकल स्टोर है यहाँ पे, आपको खेल कूद का सारा सामान मिलता है, चाहे वो आपका रैकेट हो, चाहे वो आपका बैट हो, चाहे वो आपकी बॉल हो, चाहे वो नेट सब मिलता है, टेबल टेनिस का वो सब मिलता है यहाँ पे। अभी यहाँ चल रहा है, अभी इनका प्रोग्राम चल रहा है हमारा, अभी सब डांस चल रहा है सर अभी। बाकी यहाँ पे डायरेक्टर सर बैठते हैं अंदर, ये उनका ऑफिस है यहाँ पे। ठीक है, वरना वो तुम्हें बेशक ना पढ़ाएगा भी जिंदगी में, वो तो जब तक तुम यहाँ हो तब तक पढ़ाए ना, लेकिन वो इंटरफेयर कर सकते हैं, इंटरफेयर ऐसा करेंगे कि तुम पेपर नहीं दे पाओगे। नाम बता दो, संजय गौरी। तो गाइस यहाँ से आके हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ये पीछे का एक और सीढ़ी है ऊपर जाने की, तीन सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की। और ये आपका डील इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे है, ये बाहर का एरिया है जो आपको बाहर दिखा रहे थे ना, ये बाहर का वहाँ का एरिया है, एकदम बाहर गार्डन आ जाएगा यहाँ से, ये वहाँ का एरिया है। यहाँ से रास्ता ऊपर चढ़ने का, ऊपर चलते हैं। ये हमारे क्लास रूम्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर पर आते ही सामने लैब है एको यहाँ पे सर। ये आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पे क्लास के, यहाँ से नीचे और ऊपर है सर। बस यहाँ से अपना टेनिस कोर्ट है, अच्छा खेल रहा है। बाकी अपने वॉचर में गाइस अंदर चलते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं आपको अपने वॉचर में जेंट्स। यही है बस। चलो भाई हमारा क्लास का टाइम हो गया, अब चलते हैं अपने क्लास में और ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पे, फिर चलेंगे अपना घर वर। और ये एक और रास्ता है, चौथी सीढ़ी है, यहाँ से भी आवाज़ आ सकते हो। और यहाँ से आते हैं हमारी क्लास आ जाती है सीधा, यहाँ से आते हमारी क्लास आएगी, हमारी क्लास आ गई सीधा यहाँ पर, फिर अपनी क्लास आ गई है यही अपनी क्लास। भाई ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना और शेयर कर देना जल्दी, लाइक कर दो जल्दी फटाफट, और कमेंट भी करके बताने ब्लॉग कैसा लगा बताना। और ब्लॉग आते रहेंगे, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बाकी जल्द आते हैं ब्लॉग। ओके, बाय।